गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री काइंड। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंसेज। अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड कन्वे कंप्लीट सेंस। सो एक सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक सिंगल सब्जेक्ट और एक सिंगल वर्ब होता है, मतलब एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब, मतलब एक पर्सन और वो एक ही एक्शन कर रहा होता है और उससे वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है आई और एक ही वर्ब है कि वो हैप्पी है। शी इज लर्निंग टू स्विम, सब्जेक्ट क्या है शी और वो क्या कर रही है, स्विमिंग सीख रही है। थर्ड वन इज फादर बॉट अ न्यू कार, सो द सब्जेक्ट इज फादर एंड द वर्ब इज बाइंग अ न्यू कार, बॉट अ न्यू कार, नई कार खरीदी है उन्होंने। तो यहाँ इन सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है और सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है इतने में। नाउ द सेकंड वन इज कंपाउंड सेंटेंसेस। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शन फॉर एंड नॉर बट और येट और सो। सो उसके बाद जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। हमने क्लॉजेस के बारे में पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती। और कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा ऐसे क्लॉजेज होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, और उन्हें हम जॉइन कर देते हैं आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा के। उनके अंदर कौन कौन से हम कंजक्शन लगा देते हैं, फॉर एंड नॉर बट और येट सो। तो ये वाले सिर्फ यही कंजक्शन हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस में, और ये वाले कंजक्शन लगा के जो हम जॉइन करते हैं सेंटेंस को, उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। For reminding this, there is a note here. You can use the word fanboys to memorize this coordinate conjunction. आप fanboys word याद रख सकते हो इसे learn करने के लिए। F के लिए for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so. सो फैन बॉयज याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि कौन कौन से कंजक्शन, सिर्फ यही कंजक्शन यूज होने चाहिए कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। आई लाइक टी बट शी लाइक्स कॉफ़ी। तो ये देखिए आपके पास दो क्लॉजेज हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। शी लाइक्स कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी पसंद है। और हमने इसे क्या ज्वाइन कैसे ज्वाइन कर दिया, बट लगा के। क्या लगा के, बट लगा के। तो ये क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। सेकंड वन इज शी वॉज टायर्ड सो शी वेंट ऑफ टू स्लीप। सो पहला क्लॉज है हमारा शी वॉज टायर्ड, सेकंड क्लॉज वॉज शी वेंट ऑफ टू स्लीप, वो सोने के लिए चली गई। पर हमने इसे ज्वाइन कर लिया सो लगा के, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड वन इज शी वेंट टू द स्टेशन एंड बॉट टिकट फॉर द ट्रिप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्होंने एंड लगा के दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर लिया और ये क्या बना दिया, कंपाउंड सेंटेंस। तो आपने देखा अभी एंड, सो एंड बट लगाया है, हम और भी यूज़ कर सकते हैं फैन बॉयज में से कोई भी कंजक्शन। रिमेंबर द पार्ट ऑफ द सेंटेंस कैन स्टैंड अलोन एंड कन्वे कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड मेन और द इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें आपको बता रखा है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं। वो इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, कि जैसे कि आई वॉज टायर्ड, शी लाइक्स कॉफ़ी, ये सब इंडिपेंडेंट थे, इनको और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम कभी कहते हैं कि सो आई वेंट टू स्लीप,
जैसे कि हम कहेंगे कि सो आई कम अर्ली, सो आई केम अर्ली, हमने कहा कि तो मैं जल्दी आ गया, पर क्यों जल्दी आ गए, कोई रीज़न बताना होगा ना, हमने कहा सो आई केम अर्ली। तो हमें ये बताने के लिए उसके अंदर एक और सेंटेंस करना पड़ेगा कि आई वॉज़ लेट सो आई केम अर्ली। तो हमारा जो पहले वाला सेंटेंस था उसमें कुछ पार्ट मिसिंग था, हमें पढ़ के पता लग रहा था, इसलिए वो क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। पर ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही ना हो, वो अपने आप में कंप्लीट हो, उसे हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉसेस, द टू क्लॉसेज आर जॉइंड बाई सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन सच एज बिकॉज, दैट, वैन, अंटिल, दो, ऑल दो, वाइल। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, और उन्हें हम कैसे ज्वाइन करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। पहले वाले कौन से थे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और उसके बाद अब कौन से, सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ करके, जैसे कि बिकॉज, दैट, वैन, अंटिल, दो, ऑल दो एंड वाइल लगा के हम उन्हें ज्वाइन कर देते हैं, और उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट आउट फॉर वॉक ऑल दो इट वॉज रेनिंग, शी वेंट आउट फॉर अ वॉक ऑल दो इट वॉज रेनिंग। अब देखो यहाँ पे हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज है शी वेंट आउट फॉर अ वॉक, इट वॉज रेनिंग, ऑल दो इट वॉज रेनिंग, हमने इसे किससे ज्वाइन किया है, ऑल दो लगा के, एक सबॉर्डिनेट कंजक्शन लगा के, तो इसमें क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। मैरी लेफ्ट अर्ली बिकॉज शी हैड टू कैच अ फ्लाइट अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखते हैं, मैरी लेफ्ट अर्ली, ये हमारा इंडिपेंडेंट है, हमें और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैरी जल्दी चली गई। शी हैड टू कैच अ फ्लाइट अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे फ्लाइट जल्दी कैच करनी थी, इसका हमें रीज़न देना था या हमें बताना था कि इसके लिए उसने क्या किया, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज था और हमने इसे किससे ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को आपस में, बिकॉज लगा के, तो ये हमारा क्या बन गए, कंपाउंड, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड वन इज द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो जैसे हम बिफोर किसी सेंटेंस के साथ लगा देते हैं ये डिपेंडेंट हो जाता है, और जैसे हम कहेंगे द ट्रेन हैड लेफ्ट, मेरे आने से पहले ही ट्रेन चली गई थी, बिफोर हमने लगा के इसे ज्वाइन कर दिया और ये हमें क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस एज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सिंपल है, कौन सा कंपाउंड और कौन सा कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट वन इज द बेबी क्राइड फॉर फूड, द बेबी क्राइड फॉर फूड, इट इज एन सिंपल सेंटेंस, बेबी है और फूड के लिए रो रहा है, एक ही सेंटेंस, एक ही प्रेडिकेट, तो ये क्या हो गया हमारा, सिंपल। सेकेंड वन, बींग टायर्ड ही वेंट टू बेड, थके होने की वजह से वो सो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, सिंपल सेंटेंस। थर्ड वन, इफ़ यू स्टडी वेल यू विल पास, इफ़ यू स्टडी वेल यू विल पास, सो इफ़ यू स्टडी वेल यू विल पास, अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम पास होगे, तुम पास कैसे होगे, अगर तुम स्टडी करोगे। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दूसरे के डिपेंडेंट है, एक सेंटेंस दूसरे के डिपेंडेंट है, और हमने फैन बॉयज में से कोई भी कंजक्शन यूज़ नहीं किया है, तो ये हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, पुट सी ओ हियर। फोर्थ वन, द टीचर एंटर द क्लास, द टीचर एंटर द क्लास, राइट डाउन, सिंपल सेंटेंस। फिफ्थ वन, आई सॉ अ गर्ल हु हैड ब्लू आइज, आई सॉ अ गर्ल Who had blue eyes? Eyes तो किसकी blue eyes थी, एक girl की blue eyes थी, तो ये क्या है आपका, एक simple sentence है, ये आपका एक simple sentence है। Sixth one, the earth moves around the sun, the earth
moves around the sun. This is also a simple sentence. Seventh one, he worked hard, so he will succeed. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सो यूज करके दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रखा है. दिस इज एन कंपाउंड सेंटेंस. पुट सी हियर. एट्थ वन, द फूड वॉज हॉट सो आई कुड नॉट ईट. सिमिलरली ऊपर वाले की तरह ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है. व्हेन आई वॉज यंग वी हैड अ लॉट ऑफ पेट्स. जब मैं यंग था तब हमारे पास बहुत सारे पेट थे. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. वाइल टॉम रीड नॉवल्स जैक रीड्स कॉमिक्स. टॉम रीड्स नॉवल, जैक रीड्स कॉमिक्स. और किससे ज्वाइन कर रखा है, वाइल एक सबॉर्डिनेटिव है तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. इलेवेंथ वन, एज इट ट्रेन्ड हैविली द स्कूल वॉज क्लोज. हमने क्या यूज किया है, एज, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. ट्वेल्थ, इट रेन्ड हैविली सो द स्कूल वर क्लोज्ड. यहाँ पे सो है तो ये कंपाउंड. एवरीवन एंजॉय द फिल्म हाउएवर आई डिड नॉट. सभी ने फिल्म एंजॉय की पर मैंने नहीं, तो ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स. फोर्टीन, ऑल्दो इट रेन्ड अ लॉट दे एंजॉयड देमसेल्फ. दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. जिज्ञासा इज अ टीचर एंड हर ब्रदर इज एन इंजीनियर. जिज्ञासा इज अ टीचर एंड हर ब्रदर इज एन इंजीनियर. ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है. 16th, द कैट जम्प्ड ऑन टू द काउच एंड स्लेप्ट ऑन कुशन. एंड आया है तो ये क्या है हमारा कंपाउंड. 17th, माय फ्रेंड हैज इनवाइटेड मी टू अ पार्टी बट आई डोंट वॉन्ट टू गो. क्या यूज हुआ है, बट फैन बॉयज में से है तो ये भी आपका कंपाउंड है. 18th वन, रजनी लाइक्स रीडिंग नॉवल बट प्रियांश लव्स रीडिंग कॉमिक्स. क्या यूज हुआ है, बट, तो क्या हो गया ये कंपाउंड. 19th वन, ऑल्दो माय फ्रेंड इनवाइटेड मी टू द पार्टी आई डू नॉट वॉन्ट टू गो. तो ये ऑल्दो वाला एग्जाम्पल है तो ये कौन से में आएगा आपके कॉम्प्लेक्स में. 20th, शी लाइक्स टू स्लीप इन बट शी कैन गेट अप अर्ली इफ शी हैज वर्क. तो ये क्या है आपका, शी लाइक्स टू स्लीप इन बट शी कैन गेट अप अर्ली इफ शी हैज वर्क. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बट भी यूज हुआ है और इफ भी यूज हुआ है, तो हम इसको क्या मानेंगे, कंपाउंड नहीं मानेंगे, कॉम्प्लेक्स. अगर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों एक साथ हो तो हम उसे कॉम्प्लेक्स में ऐड कर देंगे. ये कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है. 21, ऑल्दो आई लाइक टू गो कैंपिंग आई हैवंट हैड द टाइम टू गो एनीवेयर लेटली. ऑल्दो का एग्जांपल है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स. सो रीड दिस क्वेश्चन अगेन एंड ट्राई टू डू इट योर सेल्फ ऑल्सो फर्स्ट, देन वी विल start our next chapter in the next video, that is subject and predicate. Go through this chapter again and thank you and have a nice day.